दोस्तों आज की कहानी है भाभी जी आपके होते हुए मैं मायके में खाना नहीं बनाऊंगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बधाई हो कन्यादान हुआ फेरे निपटे और रूसी आपकी जी मौसी जी धन्यवाद। वैभव की पोस्टिंग कई बार है ना जी भाई हैदराबाद में है। देखो हूँ तो मैं रूसी की मौसी पर फिर भी आपको एक राय देना चाहूंगी। ठीक है वैभव बाहर है आने वाले समय में तो रूसी उनके साथ जाएगी ही पर सब महीने सास ससुर के साथ रहेगी तो रिश्ते नाते अपनी जिम्मेदारी बखूबी उठाना सीखेंगी। एक बार शुरू में लड़की अकेली रह ली तो फिर किसी जिम्मेदारी को नहीं अपनाती नीतू उनकी बात पर हंस दी। ऐसा कुछ नहीं है मौसी जी भाई के लिए लाए हैं वो वहां अकेला है इसीलिए ही तो शादी की है। अभी मम्मी पापा अकेले अपना संभाल लेते हैं जब यहाँ दाल न गली तो मौसी जी ने यही सलाह छोटी बहन को दी। पता नहीं मौसी जी जैसा ये लोग उसे तो समझेंगे करेंगे। इज्जत तो नजरों में होती है किसी को बांध कर रख जबरन कुछ नहीं सिखा सकते। देखते ही देखते कन्यादान की रस्म भी पूरी हो गई। विदाई से पहले मौसी जी ने माँ को भी समझाने की पूरी कोशिश की। नहीं जी हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं बेटा अकेला है खाने पीने को परेशान होता रहे और हम बहू से सेवा करवाए ये शोभा नहीं देता। भगवान की कृपा से अभी हाथ पाँव में दम है कल की कल देखी जाएगी। वैसे भी बेटा वहां परेशान होता रहे और ये नाखुश हो हमारी सेवा करती रहे वो बहू कैसे हमारे लिए सकारात्मक सोच करती है। हम उसके लिए सोचेंगे तभी तो वो हमें समझ पाएगी। रूसी विदा हो घर आ गई। उसकी सौम्यता और मुस्कुराते चेहरे को देख हर जना खुश था। चार पांच दिन रह घूमने चले गए और फिर आकर वैभव के साथ हैदराबाद। दोनों ननदों से शुरू में खूब बात करती। कुछ समय बाद वैभव के पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। कुछ समय साथ रहने के बाद वो रूसी को माता पिता के पास छोड़ गया। जब तक वो वैभव के साथ रुकी तब तक खुश थी। उसके जाने के बाद धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। देखकर नहीं लगता कि वो या खुश है हमेशा मुंह सुजाई रहती। ननदे भी समझ नहीं पाती कि वो क्या सहा रही है। रसोई में उसके साथ हाथ बटाया जाए कि नहीं उन के आने पर वो अक्सर अपने कमरे में ही रहती। सास ने उसका रवैया देख जल्दी ही उसे बेटे के साथ भिजवा दिया। अब वो जब आ
आते 4-5 दिन मेहमानों की तरह रह कर चली जाती। उनका आना माँ की बढ़ती उम्र पर बोझ ही था। सब अधिकार देने के बाद भी किसी काम को अपना घर मान जिम्मेदारी से न करती। बहनों के आने पर भी वैभव को अपने में उलझाए रहती। कभी शॉपिंग, किसी रिश्तेदार से मिलना, बस इसी में दिन बीत जाते। पिहर और बहने उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। पल पल की खबर अपनी दोनों बहनों और माँ को देती रहती। पूरी कोशिश करती कि वैभव अपनी बहनों से ज्यादा मेरी बहनों को महत्व दे। ननदों की छोटी छोटी कमियां ढूंढ वैभव से कलेश करती। उसकी दोनों बहनें भी शादी हो जल्द ही अपने ससुराल चली गई। अब रूसी को माँ बाप की सीता सताई रहती। दोनों बहनें संयुक्त परिवार का हिस्सा थी तो कम ही आना होता। एक दिन माँ ने वैभव से कहा, ऐसा क्या हुआ बेटा, सब अधिकार देने के बाद भी मेरी दोनों बेटियों से इसके संबंध अच्छे नहीं। वो अक्सर उनके नकारात्मक पहलू तुम्हारे सामने रखती हैं और तुम उन सब पर यकीन कर लेते हो। इतना प्रेम देने के बाद भी बहू दोनों परिवारों में तुलनात्मक सोच क्यों रखती है? वैभव कई दिनों से देख रहा था पर चुप था। माँ थोड़े दिन साथ आकर रहो, शायद दूर रहने से दूरियां आ गई हो। माँ बाप कुछ दिन वैभव के साथ रहने चले गए। रुसि उनके लिए सब करती, साथ बैठती उठती, पर सहरे पर बंदिश के भाव साफ दिखाई देते। 3-4 महीने रह जब माँ बाप वापिस आते तो कभी किसी बहन को बुला लेती या माता पिता को। वैभव भी अंतर महसूस कर रहा था कि माँ बाप बहनों के पूर्ण संपन्न के बाद भी वो उनका सब काम नाखुश होकर करती हैं। जब कभी वो लोग आते हैं तो कमरे में ज्यादा समय व्यतीत होता है और अपने माँ बाप के आने पर वो चाहती हैं कि वैभव भी ज्यादा से ज्यादा उन के साथ समय व्यतीत करे। दिन बीतने लगे, माँ बाप साल महीने में कभी कभी वैभव के पास आते। नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से दोनों बेटा बहू में तनाव पैदा हो। भाई बहन ने अपने रिश्तों को समझदारी से निभाया लेकिन सबके दिमाग में मौसी की बात की गहराई घूमने लगी थी। एक दिन अचानक रूसी के पिताजी की तबीयत खराब हो गई। दोनों बहनें संयुक्त परिवार का हिस्सा थी। एकदम से आने का निर्णय खुद नहीं ले सकती। वैभव मीटिंग में कहीं बाहर गए हुए थे। सास को पता चला तो उन्होंने बहू को दिलासा देने को फोन किया। सास से कहा, वो तुरंत रवाना हो ली। डॉक्टर ने जल्द ही ऑपरेशन की सलाह दी। वैभव के पिताजी ने कहा, बहू वहां अकेली है, तुम्हें जाना चाहिए। हाँ पापा,
और लोग हैं वहाँ, सब संभाल लेंगे। आपके पास भी तो कोई न था, पड़ोसियों ने संभाला, कह दिया है जरूरत होगी तो बुला लेंगे। सास ससुर फोन कर बराबर रूसी को हौसला बढ़ाते रहे। बहनों ने भी यही कहा, भाई उनका तुम लोगों के अलावा कौन है, तुम्हें कुछ दिन वहां जाना चाहिए। वैभव सला गया, ऑपरेशन सफल हुआ। अब पिताजी घर आ गए, पर कीमोथेरेपी के लिए कुछ दिन उन्हें वहां रुकना पड़ा। रूसी फिर उसी अंदाज में आ गई, ननदे या सास ससुर जब फोन करते वो ऐसे सो करती जैसे वैभव उन लोगों के लिए पूर्ण संप्रित है। हाँ मम्मी जी, वैभव ने सब संभाल लिया है, पापा को अपने हाथों से खिलाते हैं, मम्मी को कहीं अकेले नहीं जाने देते। दोनों बहनों को तो जीजाजी के रूप में जैसे भाई मिल गया हो। बहू की बात सुन माँ मुस्कुरा देती, शायद तुलना कर कहीं किसी कोने में तकलीफ तो होती होगी, पर नजारा हकीकत में कुछ और ही था। वैभव ये क्या है, मम्मी पापा हर आए गए से वैभव वैभव करते नहीं थकते, और तुम थोड़ी देर भी उनके साथ नहीं बिता सकते। गुन्नो और जमाई जी कल कितने प्यार से अपने घर आमंत्रित करके गए, और आपने एकदम से ना कर दी। वैभव की सास को भी यही शिकायत थी, बेटा तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता तो तुम जा सकते हो, सब आसानी से संभल जाएगा। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं, अपने पराए की इतनी समझ तो है मुझ में। आज रूसी को तर्रारा आ गया, क्या हर सम मम्मी जी पापा जी दीदी में लगे रहते हो, मेरे घरवाले तुम्हारी इतनी खिदमत करते हैं। डॉक्टर की बात छोड़ तुम दीदी का फोन उठाने चले आए, लगता है कभी ये लोग मेरा घर बसने ही नहीं देंगी, थोड़े दिन भी सहन नहीं। क्या फायदा तुम्हारे रहने का, जब देखो तब मुंह सुजाए रखते हो। याद रखना जितने तुम्हारे माता पिता तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, उतने ही ये लोग। मेरी माँ ने बेटी को डांट सुप करवा दिया, वैभव हंसते हुए बोला, और भी कुछ जहर है तुम्हारे मन में तो उगल कर खत्म कर दो। आज मैं यहाँ अपने माता पिता के संस्कारों की वजह से ही हूँ, जिन्होंने तुम्हारे माता पिता भी हमारी जिम्मेदारी है का वास्ता देकर मुझे जबरन मेरे फर्ज याद दिलाए। जिन बहनों के लिए कह रही हो ना, वो फोन पर कह रही थी, मम्मी पापा की चिंता मत करना, अंकल को डॉक्टर को दिखाने के बाद ही आना। और रही बात सब करने के बाद भी खुश ना रहने की, तो अब समझ आया ना, तुम्हें मेरे माता पिता के साथ तुम्हारा व्यवहार मुझे भी कितना कसोटता होगा। अपने घरवालों को छोड़कर मैं कभी तुम्हारे घरवालों का नहीं बन सकता, तुमने सहजता से उन्हें अपनाया होता तो मुझे भी
स्वत ही मेरी जिम्मेदारी का एहसास होता। माता पिता के लिए सिर्फ कर देना ही पर्याप्त नहीं है, हंसता सहरा हजारों तकलीफों को दबा देता है। दो दिन घर में शांति थी, पापा को दिखा वैभव वापिस चला गया। रूसी कुछ दिन वही रुकी, वैभव को उम्मीद थी जब शॉट अपनों के साथ हो तो इंसान जल्दी समझता है। निश्चित रूप से रूसी में बदलाव आएगा, स्वभाव की नम्रता व खुश मिजाजी बहुत सी समस्याओं का हल है। ससुराल के मधुर संबंध अकेले आपको ही नहीं दो परिवारों को एक करते हैं।